एक खटाई के दो हल्के मसाले की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है तुमचे माझ्या एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। तर मी आता आहे दिल्ली मधील चावरी बाजारला। तरी तर 100 वर्ष जुने असलेला लोटंजी के छोले आपण खाणार आहे। ये भी खटाई खटाई का बनेगा पक्का। मेकिंग प्रोसेस त्यांची बनवायची। इसमें कौन कौन सी चटनी आती? ये तो सर आमची ये। ओके, ये सुखा हुआ मसाला और गरम मसाला को लगा होंगे आज। ओके, गर्दी बघू शकता तुम्ही इकडे। पानी कैसे रहता है इसका? चने का पानी होता है। चने का पानी। इसका प्राइस 10 रुपये। 10 रुपये प्राइस। एक पत्ता अलग से इनका। 100 साल पुराना है ना आपका शॉप? सर 100 साल से ऊपर हो गया। 690 हो गया। और टाइमिंग क्या रहता है? मॉर्निंग सुबह 7 से लेके 2 बजे तक। मसाला तीन प्लेट है। हाँ बड़े भाई, तो एक प्लेट और कर दो छोले छोले। एक बार हिला दो मांगे ऑफिस ले जाए। ये आपका मक्खन? हाँ, तुम्हारी पैकेट हो गई 7-8 की, वो करी थी ना यार। बिल्कुल चक्कर में 2 बजे मक्खन गर्म करवाई थी। वो पैकेट लगती थी मैंने छोलों की। लो भाई, खटाई वाला अलग है, मसाले का अलग है। ये लो आओगी आप? मसाला तेज खाते हो? मीडियम मीडियम करो। कुछ लगा प्लेट में? एक प्लेट का क्या प्राइस है? ये आपकी जो लगाइए 70 रुपये की। ओके, ब्राउन मक्खन 40। ओके, और यारी 50 की ब्राउन मक्खन। मीडियम स्पाइसी घेतलंय मी, तरी आहे वरतून आलं वगैरे टाकलेलं आहे। आता मी ट्राय करतो, तरी बघू शकतात खूप जास्त तरी आहे। तरी मीडियम स्पाइसी घेतलंय मी। जास्त स्पाइसी आहे, मी तरी मीडियम स्पाइसी घेतलंय। म्हणजे त्यांचं मीडियम स्पाइसी म्हणजे खूप जास्त स्पाइसी आपल्या मानाने, पण टेस्ट खूप छान आहे स्पाइसी असलं तरी। तर मी नक्की तुम्हाला सजेस्ट केलेली आहे जाऊन खाण्यासाठी, जर तुम्ही दिल्लीला आले चावरी बाजारमध्येच याचं लोटंके छोले कुलचे म्हणून आहे। आणि हे 100 वर्षापेक्षा जुनं आहे, त्यांची आता 5वी पुढी आहे जी काम करते तिथे। तर नक्की विजिट करा।